अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सईद ख़ान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियां भी लगना शुरू हो गई हैं। 10 राज्यों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है और दिल्ली में भी पाबंदियां बढ़ती ही जा रही हैं। दिल्ली में आज नाइट कर्फ्यू का दूसरा दिन है। दिल्ली में 165 केस हैं और इसका यानी कि पहुँच है जो कोरोना की ओमिक्रॉन की, ये 11 राज्यों में अब तक पहुँच चुका है। 653 केस ओमिक्रॉन के जो नया वेरिएंट है इसके पूरे देश में हैं और 186 लोग अब तक इससे ठीक हो चुके हैं। मैं बात करता हूं कि दिल्ली में क्या क्या पाबंदियां हैं। शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की इजाज़त है। स्पा, जिम और सिनेमा हॉल को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। मेट्रो और बसेस में उतनी ही सवारियाँ चढ़ेंगी जितनी उसमें सीटें हैं, यानी कि पहले की तरह जो भलके लटक के चलते थे उसकी अब इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। स्कूल और कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि नाइट कर्फ्यू कहाँ कहाँ है। उसमें राज्य हैं उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। इन तमाम स्टेटों में कुछ पाबंदियों के साथ नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि ये पाबंदियां सिर्फ जनता पे ही लागू हो रही हैं। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो 2000 का चालान है। अगर आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका चालान ही नहीं, आपकी पिटाई भी होगी। ज़्यादा लोगों की गैदरिंग अगर होती है तो आपके ऊपर फाइन किया जाता है। लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे, इस वीडियो की एक छोटी सी मैं आपको झलक दिखाता हूँ। दरअसल कानपुर में पहला मेट्रो का उद्घाटन होना था तो ये दोनों महानुभाव वहाँ मौजूद थे और जो भीड़ बसें भर भर के वहाँ लाई गई थी, इसकी एक झलक आप भी देखिए। उपस्थित सभी आदरणीय सांसदगण, सभी आदरणीय विधायकगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधि और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही नहीं उत्तर प्रदेश में कि माननीय योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री जी वहां मौजूद थे और एक रैली को संबोधित किया। बल्कि आप देखेंगे कि उनके चेहरे पे कहीं मास्क भी नहीं था। लेकिन मैं अगला वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी क्या कर रहे थे। दरअसल उन्होंने उन्नाव में एक जनसभा को संबोधित किया, उसमें जो भीड़ आई है एक झलक में उसकी दिखाता हूँ। न यहाँ पर किसी का चालान होता है, ना इस पे किसी तरह की कोई पाबंदियां हैं, लेकिन अगर आप किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं तो आपको पुलिस पकड़ देगी और आपके ऊपर केस दर्ज किए जाएंगे। लेकिन हमारे महानुभाव कितनी ही बड़ी भीड़ इकट्ठी कर लें, बल्कि भीड़ खुद नहीं आती, बाकायदा उन्हें पैसे देके बसें भर भर के बुला के लाए थे कि आप वहाँ चलें। और वहाँ पर न कोई मास्क होता है, न कोई सोशल डिस्टेंस होता है और ना ही कोई कार्रवाई होती है। दरअसल ये पाबंदियाँ आप तमाम लोगों के लिए हैं। दोस्तों, मैं आगे भी इसी तरह के वीडियो के जरिए आपको अवगत कराता रहूंगा जब तक कथनी और करने में फर्क समाप्त नहीं हो जाता। अपने वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।